स्वाति मूव। स्वाति भी गिव मी द टी-शर्ट अभिषेक। मम्मी ने पापा का पूरा नाम लिया। नॉट अभी, शी सेड अभिषेक। पापा तो गए। स्वाति कल भी तो जा सकते हैं ना। क्या फर्क पड़ता है आज या कल? फर्क पड़ता है अभिषेक। गिव मी द डैम टी शर्ट। स्वाति मेरे से बात करो यार। क्या कहूं क्या कहूं? एक चीज मांगी थी तुमसे 5 साल में, पहला फैमिली वेकेशन, उसके लिए भी तुमने मुझसे झूठ बोला। यू नो व्हाट अभिषेक, यू स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड ओवर एंड ओवर अगेन। और आज तो तुमने बता दिया साफ साफ कि तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या है। जस्ट गिव मी द डैम टी शर्ट नाउ। नमन स्टार्ट पैकिंग। सॉरी पापा, गलती से बोल दिया। नमन आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? गलती तो मेरी थी ना। इट्स ओके। द बिल हैज बीन सेटल्ड, लेट्स गो। पापा हम पहुंच गए क्या? नहीं बेटा, मैं अभी वॉशरूम होके आता हूँ। अपने पापा से पूछो। चलो चलेंगे पक्का। काफी टाइम लग गया पापा। नंबर टू Take me to Masuri Mall Road. पापा ये हम कहाँ आ गए? हाँ अभी कहाँ हैं हम? घर।
किसका घर है ये? ये अजय महावन का घर है, लेकिन ये किसी जमाने में तुम्हारी मम्मा का घर हुआ करता था, जब वो तुम्हारी उम्र की थी। हाँ जी कहिए, किससे मिलना है? मैं अभिषेक, आपसे फोन पे बात हुई थी ना। ओ अच्छा अच्छा, हाँ आइए आइए आइए। वाओ मम्मा, ऐसा घर तो एकदम मूवीज में दिखाते हैं। तो अजय जी यहाँ आते रहते? कौन, अजय सर? नहीं आते हैं, 6 महीने में एक बार। दरअसल उनका मुंबई में काम ही इतना फैला हुआ है कि उनको टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा अच्छा जी, आइए प्लीज। वाओ बाइनोकुलर्स, मम्मा आपका घर तो बहुत कूल है। तुम्हारी मम्मा का घर जो है। पता है नमन, जब मैं छोटी थी और मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं यहाँ आके सो जाती थी, क्योंकि नानी मुझसे कहती थी, स्वाति अब तुम गोदी में फिट नहीं आती, झूला झूलना है तो झूले पे ही जाके सो जाओ। मम्मा अगर हमारे घर में भी ऐसा स्विंग होता तो मैं तो रोज उस पे सोता। बदमाश, चला जा, कम, I'll show you my favorite family spot. हाँ, हर संडे वरांडा में नानी नानू और मैं बैठ के कैरम खेलते थे और गर्मा गर्म चाय पीते थे विदाउट फेल। वाओ मम्मा, चल तुझे और कुछ दिखाती हूँ। सुभाष जी, पापा की लाइब्रेरी अभी भी है? हाँ हाँ बिल्कुल वैसी ही है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अरे सरिता, मेरी बुक्स देखिए कहीं। कम, लेट्स गो। एक्साइटेड। पता है ना मन, यहाँ पर तुम्हारी मम्मा ना छुप छुप के मिल्जन बून पड़ा करती थी। मिल्जन बून? वो क्या होता है? साइंस इंसाइक्लोपीडिया है ना अभी? हाँ वही साइंस इंसाइक्लोपीडिया। अच्छा एनीवेज मम्मा, आप बताते थे आपके घर से सनसेट सनराइज और स्टार्स दिखते हैं। गुड आइडिया, कम आई विल शो यू। ओके। यहाँ पे ना मैं बारिश खूब एंजॉय करती थी, गर्मा गर्म पकौड़े किचन से लाके ना अकेले खाती थी। वाओ वो देखो सनफ्लावर्स। और पता है यहाँ से हम सनसेट स्टार्स मून सब देखते थे। सब? I wish सिटी में भी स्टार्स दिखते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की वजह से एयर क्वालिटी इतनी गंदी हो गई है कि पता है यहाँ नीचे ना मैं लट्टू पिट्ठू और कंचे खेलती थी, बहुत मजा आता था। I have no idea what that is. वो हमारे जमाने का पबजी होता था। I'll explain you some other day. लीजिए चाय लीजिए। अरे वाह, थैंक यू सुभाष जी। तो नाना नानी ने ये घर बेचा क्यों? कई बार ना नमन, हम फैमिली के फ्यूचर को लेके ना बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, और बदले में हम लाइफ की कुछ कीमती चीजें कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। बाकी आप नानू से पूछ लेना, वो बता देंगे। कूल कूल। मम्मा को देखो कितने सुंदर फ्लावर्स है ना, मैं उनको देख के आता हूँ प्लीज। ओके। थैंक यू, दिस इज द बेस्ट सरप्राइज एवर। दैट्स द लीस्ट आई कुड डू। पता है
मैं नमन को हमेशा से यहाँ लाना चाहती थी। एंड आई एम सो ग्लैड यू मेड इट हैपन। स्वाति, आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों के साथ होते हुए भी तुम दोनों के साथ नहीं था। बट आई प्रॉमिस कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आई नो। तो अब कहाँ चलना है? अब अपने घर। तुम्हारा लॉन्च है ना? लॉन्च पर तो मैं नहीं जा रहा। क्या मतलब? हेलो सर। हाँ अभिषेक, ग्रेट यू कॉल्ड। मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। देखो, आई नो यू आर ऑन अ वेकेशन, लेकिन तुम एक काम करो, तुम एक दिन पहले आ जाओ। आई वांट यू टू इंस्पेक्ट ऑल द प्रेप। सर सर, मैंने इसीलिए फोन किया था। एक्चुअली मैं लॉन्च में आ नहीं पाऊंगा। व्हाट सर? आई नीड टू एक्सटेंड माय वेकेशन फॉर फ्यू डेज। Extend the vacation? I hope you are joking, Abhishek. Sir, sir, please, sir. I need this. Sir, मैंने सोनिया से बात कर ली है। I submitted all the documents, whatever was needed. आपको लॉन्च में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। Please don't worry. मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। Energy convention में ये स्लॉट हमें 4 साल के बाद मिला है, अभिषेक। This is ridiculous. Top bosses are going to be over here. अगर तुम नहीं आए तो things are going to be beyond my control. And you know the consequences of these things. Consequences? Like what? For this you let me go? I don't know how to say it. You're smart enough. Abhishek, come for the launch and we'll pretend this conversation never happened. Sir, पिछले 5 साल से मैं लॉन्च में लॉन्च ही तो कर रहा हूँ। सर, मैंने नमन का बर्थडे मिस कर दिया। Just to launch a B2B campaign. सर, मैंने खुद की हाउस वार्मिंग पार्टी मिस कर दी जस्ट टू मेक श्योर आपके सोलर होम्स लॉन्च हो सके। कितनी रातें मैंने ऑफिस में बताई है जस्ट टू मेक श्योर कि डेडलाइन मैच कर सके। और सिक लीव के अलावा मैंने 5 साल में कोई लीव ही नहीं। सर, उसके बावजूद आपके पिछले 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद यू आप सर आई वोंट स्टॉप यू। आप जो करना चाहते हैं वो करें, बट आई नो दैट माई फैमिली नीड्स मी राइट नाउ और मैं इस लॉन्च के लिए नहीं आ पाऊंगा। आई एम सॉरी। अभिषेक, डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग? यू हैव लेट दिस प्रोजेक्ट सो फार, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। सर, आई फाउंड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। अभिषेक, अभिषेक, यू गॉट फायर्ड? नॉट रियली। फिर? But I don't know. Actually, conversation ended up on a very weird note. But one thing I'm sure about, I'm not going for the launch. क्योंकि मुझे ये realize हुआ कि तुम दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी हो। I'm so proud of you. And I love you. I'm coming. बिल्कुल तुम पे गए। चलो चलो देखें क्या ढूंढा है इसने अब। नमस्ते। अच्छा नमस्ते जी। थैंक यू सुभाष जी। तो नमन, ready for desert safari? Desert safari? Yes. Vacation extended, buddy. Oh my God. You had fun in Udaipur? बहुत मजा आया उदयपुर में। Of course it was. पापा, हमने जो कैक्टस देखा था उदयपुर में वो कितना कूल था ना? पूरा उदयपुर छोड़ के इसे कैक्टस ही पसंद आया। तो
तुम पे गए। वैसे नमन, तुम कैसे डर के डेजर्ट सफारी पे ड्राइवर का हाथ पकड़ के बैठे थे? स्वाति, इट वाज यू। हाँ मम्मा, आप थे। मैं तो बैठ के मजे कर रहा था। कुछ भी, यू गाइस जस्ट वांट टू गैंग अप ऑन मी, लेट इट बी, व्हाटएवर। तेरी मॉम कभी नहीं बदलेगी। थक गए। Happy. You know what just happened?